देखो आज जो अपने पास जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदलना। किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब देखो समझो कैसे बदलेंगे। इससे पहले एक क्लास और अपलोड की जाएगी जो कल की क्लास रह गई है ना। कल की क्लास में नाइट लिया थी तो ऑफलाइन ही पढ़ाया था तो वो और अपलोड कर देंगे। अभी इसको समझो एक बात देखो। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है 1 मीटर लिखा हुआ है, 1 मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में इसको लिख दिया 100 सेंटीमीटर लिख दिया हुआ। मीटर में तो 1 मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में कितना लिख दिया इसको 100 सेंटीमीटर लिख दिया। ये बात तो सब जानते हो भाई, जो 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के क्या होता है बताओ बराबर। एक जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर क्या होता है बताओ बराबर होता है। अब देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। मैंने एक बार बताया था भाई कोई भी भौतिक राशि होती है उसके लिए अपने को दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आंकिक मान होता है मतलब गणितीय मान होता है, दूसरा होता है मात्रक। अपन ने लिखा था एन और यू। एन तो वहां क्या था बताओ, अपने पास गणितीय मान था मतलब संख्या थी, नंबर जिसको कहा था अपने संख्या थी। यू यूनिट था मतलब क्या था बताओ, मात्रक। यू यूनिट था मात्रक था। अगर देखो यहाँ अगर ये बात अपन लागू करें तो ये तो हो गया एन वन हो गया और ये हो गया यू वन, ये हो गया यू वन। फिर देखो अगर आगे अपन बताए तो उसको एन वन भी मान सकते हैं। क्यों? एन वन अपन ने कितने को मान लिया बताओ, एक को मान लिया, तो इसको अपन एन टू मान सकते हैं, ये एन टू हो गया। और उसको U2 मानना पड़ेगा, U1 नहीं मान सकते क्योंकि तो U1 अपने मीटर को मान लिया है, ये आ गया U2। अब समझो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ N1 U1, क्या लगाना एक बार N1 U1 बराबर लिखा जा सकता है N2 U2 लिखा जा सकता है। कहने का मतलब 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, N1 U1 बराबर N2 U2 हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, ये जो मात्रक पद्धति है यहाँ जो मात्रक पद्धति अपन ने काम में ली है वो एमपीएस मात्रक पद्धति काम में ली है, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर एमपीएस में होता है। यहाँ जो मात्रक पद्धति काम में ली है अपने सीपीएस मात्रक पद्धति काम में ली है, क्योंकि सेंटीमीटर जो मात्रक है वो सीपीएस मात्रक पद्धति में होता है। तो ये मात्रक पद्धति अलग है, ये मात्रक पद्धति अलग है। अब एक चीज समझो, जैसे अपन बीमित सूत्र की बात करते हैं, एक बार समझो बीमित सूत्र की बात करते हैं तो एन वन की जगह तो मैंने एन वन लिख दिया है ना। अपन ऐसे मान लेते हैं पहले कि प्रथम पद्धति में, या प्रथम पद्धति में देखो, प्रथम पद्धति में देखो, प्रथम पद्धति में जो बीमित सूत्र माना है मैंने, बीमित सूत्र किसका मानना है मेरे को बताओ, मीटर का निकालना है। मान लो मीटर की जगह और कुछ भी हो सकता है तो मैंने ये मान लिया एम की घात ए, एल की घात बी और टी की घात सी, M1 L1 और T1 लिखा है। ये जो वन वन लिखा है ये पहली मात्रक पद्धति को प्रदर्शित कर रहा है भाई। ये जो वन वन लिखा हुआ है वो पहली मात्रक पत्ती को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी मात्रक पत्ती की बात करें, ये पहली पद्धति में हो गया। दूसरी पद्धति में बात करें, मात्रक पत्ती लिख सकते हो प्रथम मात्रक पत्ती में। द्वितीय मात्रक पत्ती में बात करें तो क्या आएगा, देखो द्वितीय पद्धति में क्या आएगा, देखो घाटे तो वही आएगी, मेरी बात समझो, घाटे वही आएगी। आते वही क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ जो बीम सूत्र आने वाला है वही बीम सूत्र यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ इसमें भी क्या करोगे बताओ, मीटर के लिए तो किसी घात लगाओगे, एल की घात लगाओगे, तो सेंटीमीटर के लिए भी किसी घात लगेगी बताओ, एल की घात लगेगी। तो कहने का मतलब घाते अगर मान लो यहाँ घात ए बी और सी है तो यहाँ भी घात ए बी और क्या होगी, सी होगी, घात नहीं बदलेगी। फिर कह रहा हूं मैं
दूसरी मात्रक पंक्ति में अपने नाम दे दिया एम, द्रव्यमान को एम टू लिख दिया, लंबाई को एल टू लिख दिया, समय को टी टू लिख दिया। बताओ गार बोलो ए घात बी और घात क्या होगी बताओ सी। मैं फिर कह रहा हूँ घाते नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि जो विमीय सूत्र यहाँ मीटर का आने वाला है वो ही विमीय सूत्र किसका आएगा बताओ सेंटीमीटर का आएगा। बस ये जो वन वन लिखा है ये पहली पद्धति को दर्शा रहा है और जो टू टू लिखा है वो दूसरी पद्धति को दर्शा रहा है। जो वन वन लिखा हुआ है वो पहली पद्धति को दर्शा रहा है और जो जो वन वन लिखा है वो पहली पद्धति को दर्शा रहा है और जो टू टू लिखा है वो दूसरी पद्धति को दर्शा रहा है। अब देखो मैं यहाँ ये लगाता हूँ मान, तो ये आ गया एन वन और यू वन की जगह क्या लिख देता हूँ बताओ। यू वन की जगह लिख दिया मैंने एम वन की घात ए, एल वन की घात बी, टी वन की घात सी। फिर इधर चलते हैं तो देखो एन टू, एन टू और फिर बताओ U2 का जो मान आ गया वो कितना आ गया M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात आ गया C। T2 की घात क्या लिख दिया बताओ C। अब देखो N1 क्या था, N1 था पहली मात्रक पत्ती में जो संख्या थी, जो गणितीय मान था, जो संख्या थी वो N1 था। एन टू क्या था, दूसरी पद्धति में जो संख्या थी वो एन टू था। सोचो अपने को एन टू ज्ञात करना है तो बताओ जब अपने को एन टू ज्ञात करना है तो ये पूरा जो पद है इसके बाद में आ जाएगा। तो देखो एन टू का मान अगर अपने को ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा बताओ, एन वन, एन वन आ जाएगा और ये आ गया एम वन की घात ए, एल वन की घात बी और ए वन की घात सी। फिर आ जाओ जब नीचे देखो ये आ गया एम टू की घात ए और बताओ एल टू की घात बी हो गया और टी टू की घात हो गया सी, ये हो गया। अब देखो ये आ गया अपने पास है। अब देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बराबर का चिन्ह है और ये एन टू लिखा हुआ है, एन टू लिखा हुआ है। आप देखो एक बार समझो, जैसे मान लो अपन ने ऐसे लिख दिया कहीं ऐसे लिखा हुआ है एक्स की घात स्क्वायर लिखा है, एक्स की घात दो लिखा है, वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x बटा y का स्क्वायर। ऐसे मान लो x की घात a की है और y की घात भी a की है, इसको लिख सकते हैं x बटा y की घात a, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब समझो देखो ऐसा ही यहाँ लिखा हुआ है, देखना देखो m1 की घात a, m2 की घात a, दोनों एक साथ लिख रहा हूँ तो बताओ कितना आ जाएगा, आ जाएगा एन टू बराबर, एन टू बराबर देखो एक साथ लिख दिया इसको मैंने एन वन बट्टा एन टू की घात ए हो जाएगा, ये ऐसे ही देखो एल वन बट्टा एन टू की घात बी हो जाएगा और यह आ जाएगा टी वन बट्टा टी टू की घात सी हो जाएगा। ये सूत्र आ गया आपके पास, ये सूत्र याद रखना है, फाइनली ये सूत्र अपने को याद रखना है।
देखो कैसे लगाना है सूत्र को वो समझते हैं, पर एक बार ये बताओ सूत्र को निकालना आ गया? देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक न्यूटन को डाइन में बदलो, एक न्यूटन को डाइन में बदलना है। देखो एक जो न्यूटन है, देखो अपने को एक मात्रक पत्ती दे रखी होगी और दूसरी मात्रक पत्ती में अपने को ज्ञात करना होगा एक की, समझो। कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक जो न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर है, एक जो न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर है। अब देखो ये बल का मात्रक है न्यूटन, ऐसा ही मात्रक पत्ती में है ये न्यूटन, और डाइन भी बल का मात्रक है, ये सीधी एस मात्रक पत्ती में है। कहने का मतलब अपने को एस आई को किसके अंदर बदलना है, सीधी एस पत्ती में बदलना है। एक ही समझो, ये कहना चाह रहा है भाई एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है ये पूछना चाह रहा है। तो देखो अगर तुम देखो इसमें तो n2 ज्ञात है, क्योंकि देखो n1 तो ये हो ही गया, u1 ये हो ही गया और u2 ये हो ही गया। बताओ क्या ज्ञात है इसके अंदर, इसके अंदर n2 क्या है बताओ, अज्ञात। n2 क्या है इसके अंदर, अज्ञात है, n2 इसमें अज्ञात है, तो अपने को n2 का मान ज्ञात करना है ये समझ। लेकिन ये चीज क्लियर होगी क्या कि अपने को एस आई मात्रक पत्ती को सीधी एस मात्रक पत्ती में बदलना है, एस आई मात्रक पत्ती को सीधी एस मात्रक पत्ती में बदलना है। अब देखो तो देखो अपने को बदलना किसको किसमें है, एस आई को सीधी एस में बदलना है, एस आई को सीधी एस पत्ती में बदलना है। अब देखो मतलब जो दे रखी है वो ऐसा ही मात्रक पत्ती है और जो ज्ञात करनी है वो कौन सी मात्रक पत्ती में ज्ञात करना है, सीधीएस। तो देखो अपने को जो दे रखा है बताओ ये n1 है अपने पास, तो दे रखा है उसको प्रथम मात्रक पत्ती मान लेंगे अपन, है ना, और जो ज्ञात करनी है उसको दूसरी मात्रक पत्ती अपने मान लेंगे। कहने का मतलब है अपने पास n1 का मान, अगर मैं बोलूं तुम्हारे को कि n1 का मान कितना है, तो n1 का मान कितना है 1, n1 का मान कितना है, जो दे रखी है उसको प्रथम मात्रक पत्ती माननी है और जो ज्ञात करनी है उसको द्वितीय मात्रक पत्ती माननी है। अब देखो जो दे रखी है वो कौन सी है, ऐसा ही पद्धति है। अब देखो ऐसा ही में जानते हैं कि अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, सबको एक एक लेना है, सबका मान एक एक लेना है, द्रव्यमान का मान लेना है एक किलोग्राम, लंबाई का मान लेना है एक मीटर और समय का मान लेना है एक सेकंड, सबका मान एक एक लेना है अपने को, और ये पता लगा लो भाई कौन सी मात्रक पद्धति है पहली। तो पहली का पता लग गया कि पहली कौन सी पद्धति थी बताओ, ऐसा ही थी, तो ऐसा ही है तो बताओ किलोग्राम मीटर और सेकंड में मान लिया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया एक किलोग्राम लेना है, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया एक मीटर लेना है, समय का मात्रक सेकंड हो गया एक सेकंड लेना है, और जो पहले दे रखा है उसको अपने पहली मात्रक पत्ती मानी है, तो ये हो गया n1, n1 का मान हो गया एक। दूसरी मात्रक पत्ती की बात करते हैं तो दूसरी मात्रक पत्ती है अपने पास cds है, दूसरी मात्रक पत्ती कौन सी है cds। अब cds में देखो अपने को क्या है, m1 की अगर बात करें अपन, m1 की बात करें तो द्रव्यमान किसमें आ जाएगा बताओ, ग्राम में आ जाएगा, द्रव्यमान किसमें आ जाएगा ग्राम में, वही सबका मान एक एक लेना है, लेकिन ये cds में मानने हैं अपने को, बताओ m2 लिखना है इसको, m2 दूसरी मात्रक पत्ती होगी, ये द्रव्यमान एक ग्राम हो गया, लंबाई जो है इसके अंदर लंबाई जो है वो एक सेंटीमीटर हो जाएगी और समय जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, एक सेकंड हो जाएगा, और n2 अपने को ज्ञात करना है, n2 क्या करना है अपने उसमें ज्ञात करना है n2 और क्वेश्चन मार्क में करना है। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो भाई, अपने को बदलना किसको है, देखो बल को बदलना है, किसको बदलना है बल, तो जिसको बदलना है उसका विम्य सूत्र लिखो, तो मैं बल का विम्य सूत्र लिख देता हूं एक बार,
जो एफ है बल है उसका बी लिख देता हूँ। देखो ये होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, ये हो गया मेरे पास, ये बल का हो गया एम वन एल वन टी माइनस टू। आप देखो एम के ऊपर जो घात है वो ए होती है, एल के ऊपर जो है वो बी होती है, यहाँ से देख सकते हो एम के ऊपर जो घात है वो ए है, एल के ऊपर जो घात है वो बी है, और बताओ टी के ऊपर जो घात है वो सी है। तो बताओ पहले ए का जो मान है वो ए को गया, देखो तुलना करो यहाँ, मैंने बताया एम के ऊपर जो घात है वो ए, एल के ऊपर जो घात है वो बी है, तो बी का मान कितना हो गया बताओ ए को गया, और सी का जो मान है वो कितना हो गया बताओ माइनस का दो, सी का जो मान है वो कितना हो गया माइनस का दो। अब देखो सूत्र लगाना है और अपने वाल करना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझो सूत्र लगा दो, बोर्ड में लिखा हुआ है एन टू बराबर, सूत्र को मैं वापस में लिख रहा हूँ, यही से देख लेना इसको लिखा हुआ है एन टू बराबर एन वन का मान देखना है कितना होगा बताओ ए होगा, फिर देखो एम वन का मान कितना है बताओ एक किलोग्राम है, यहाँ लिख दिया एक किलोग्राम लिख दिया, एक के जी लिख दिया, नीचे बताओ एम एम टू का मान कितना है बताओ एक ग्राम है, एक ग्राम लिख दिया, बताओ देखो घात ए, ए का मान कितना है ज्ञात कर लीजिए अपन एक, तो एक का मान एक हो गया। फिर चलो आगे एल वन बताओ एल वन का मान कितना है एक मीटर है, और एल टू का मान कितना है एक सेंटीमीटर है, तो ये एक मीटर है और ये कितना है बताओ एक सेंटीमीटर। अब देखो घात बताओ घात बी का है, बी का मान कितना है बताओ एक है, बी का मान एक है, टी वन का मान बताओ एक सेकेंड है, और टी टू का मान भी कितना है एक सेकेंड, एक सेकेंड हो गया। अब ये एक सेकंड हो गया, घात देखो कितने लिखी है माइनस की दो लिखी हुई, इतना अभी तक सूत्र में मान रखा है अपन। अब देखो करना क्या है, देखो इसको हल करने का तरीका देख लो, चाहो तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, दोनों को एक ही मात्रक पत्ती में बदलना है ताकि वो कट जाए कैंसिल हो जाए। तो देखो जो आसान है वो कर लो, एन टू बराबर देखो एक तो आ रहा ही, मैं किलोग्राम को ग्राम में बदल देता हूँ, ये 1000 ग्राम हो गया और नीचे 1 ग्राम लिखा हुआ है, अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये 1 है, इधर देखो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल देता हूँ, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया और नीचे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, घात ये बताओ इसकी 1 है, देखो यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये आ गया 1 की घात कितना आ गया बताओ माइनस का 2 आ गया, एक की घात माइनस का दो आ गया। अब देखो यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, अब देखो एन टू बराबर कितना आएगा एक, ये आएगा 1000 की घात कितनी आ जाएगी बताओ एक आ जाएगी, यहाँ देखो ये आ जाएगा 100 की घात एक आ जाएगी, ये एक की घात कितनी आ जाएगी बताओ माइनस की 2, एक की घात आ जाएगी माइनस की 2। अब देखो समझो एक बार इसको, एन टू बराबर एक, 1000 की घात एक है तो 1000 ही होगा, ये 100 की घात एक है तो कितना होगा 100 होगा। अब देखो एक की घात माइनस 2, एक बार समझो इसको, एक की घात कितना लिखा हुआ है माइनस 2, ये एक ही आएगा, कैसे आएगा एक समझो इसको, एक बार तुम ये जो एक है इसको एक्स मान लो, एक को क्या मान लिया बताओ अपन ने एक्स मान लिया, x मान लिया, फिर देखो ये क्या बना x की घात कितनी होगी बताओ माइनस की 2, क्या इसको 1/x² लिख सकता हूं मैं, बाद में लिया है इसको मतलब नीचे हर में लिया है तो प्लस की होगी घात, अब x का मान वापस लगा दो, x का मान वापस लगा दो, तो x इसको माना था अपने 1 को, तो वापस लगाओ तो 1/1² बताओ कितना आएगा 1 आएगा, 1/1 का जो स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा बताओ ये के आएगा, कहने का मतलब 1 की घात -2 हो चाहे 1 की घात -1 हो चाहे 1 की घात -3 हो कितनी भी हो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 हो, तो देखो वो 1 हो गया, तो बताओ ये कितना आ गया n2 बराबर
ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 गुना 10 की घात 2 तो बताओ कितना जाएगा, 10 की घात 5 आंसर है आ जाए। मतलब n पूरा मान निकाल चुके हैं पर 10 की घात 5। तो देखो लिखा जा सकता है 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 टाइम, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 टाइम, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखो ये आ गया 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 टाइम। तो अपना जो लास्ट आंसर है वो ये है 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होगा, 10 की घात 5 टाइम के क्या होगा बराबर। इस तरह से अपने को इसको हल करना है। बताओ हल करना क्लियर हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 1 जूल को अर्घ में बदलो। देखो जूल जो मात्रक है वो कार्य का भी होता है, अभी अपन ने ऊर्जा लिया है इसको, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो देखो कहने का मतलब 1 जूल ऊर्जा को अर्घ में बदलना है, तो 1 जो जूल है वो कितने अर्घ के बराबर है। अर्घ ऊर्जा का CGS मात्रक है, अर्घ ऊर्जा का CGS मात्रक। तो देखो बात वही है, ये N1 हो गया, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया। तो बताओ अपने को क्या ज्ञात करना है, N2 का मान ज्ञात करना है, N2 का मान ज्ञात करना है। अपने को ये भी पता लग गया भाई कौन सी मात्रक पत्ती को कौन सी मात्रक पत्ती में बदलना है। तो बताओ अपने को SI मात्रक पत्ती को CGS मात्रक पत्ती में बदलना है, SI मात्रक पत्ती को CGS मात्रक पत्ती में बदलना है, CGS मात्रक पत्ती में बदलना है। तो देखो SI को CGS में बदलना है, तो दे कौन सी रखी है अपने को, ऐसा ही दे रखी है, और बदलना किसने बताओ CGS में बदलना है। अब देखो यहाँ जो मान है वो N1 है, तो N1 का मान, N1 का मान किसने बताओ, यहाँ 1 है। अब देखो M1 और T1 सबको अपन ने एक एक मान लिया है, सबको अपन ने एक एक ले लिया है, तो ये द्रव्यमान हो गया 1 किलोग्राम हो गया, लंबाई होगी 1 मीटर होगी, और समय हो गया 1 सेकंड होगी। अब देखो CGS पत्ती में मतलब बात करें तो N2 का मान अपने को ज्ञात करना है, N2 का मान ज्ञात है करना है। देखो द्रव्यमान को ले लिया 1 ग्राम, लंबाई को ले लिया 1 सेंटीमीटर और समय को ले लिया 1 सेकंड। अब देखो अपने को क्या करना है, ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखना है, ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखना है। ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया MT का 1, LT का 2, T का -2। ये ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया। अब देखो ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया, अब A, B और C का मान निकालो यहाँ से। A का जो मान है वो 1 है, B का जो मान है वो 2 है, C का जो मान है वो कितना है -2। A, B, C के मान आ गए अपने पास यहाँ। अब देखो अब अपने को रखना है यहाँ सूत्र में मान लगाओ N2 बराबर है, N2 बराबर देखो N1 का मान लगा दो, N1 का मान 1 हो गया, N1 का मान 1 हो गया। फिर देखो M1 का मान कितना लिख दिया अपने, 1 किलोग्राम लिख दिया, ये आ गया 1 किलोग्राम। फिर M2 का जो मान है वो 1 ग्राम हो गया, और था देखो A लिखना है, A का मान कितना है बताओ, A ये भी किया अपने। फिर देखो आगे L1 का जो मान है वो 1 मीटर लिखना है, और L2 का मान 1 सेंटीमीटर लिखना है, तो 1 मीटर लिख दिया और ये लिख दिया 1 सेंटीमीटर लिख दिया,
और फिर बी लिखना है तो बी का मान लिखना है 2। ऐसे देखो आगे टी वन का मान 1 सेकंड हो, टी टू का मान भी 1 सेकंड, ये 1 सेकंड हो गया, ये भी 1 सेकंड हो गया, और बताओ सी का जो मान है वो कितना है -2। देखो मैंने क्या बताया, हल करने का तरीका ये है भाई, अपने पास दोनों जो मात्रक पद थे, दोनों जो मात्रक पद्धतियां हैं, देखो दोनों जो मात्रक पद्धतियां हैं दोनों को एक में ही बदलना है, जो किलोग्राम को या तो ग्राम में बदल दो या ग्राम को किलोग्राम में बदल दो। n बराबर आ गया 1, किलोग्राम को ग्राम में बदलता हूं, ये आ गया 1000 ग्राम हो गया और ये 1 ग्राम हो गया, बताओ घात देगा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर बराबर होता है, 4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, घात 2 लिखी है, देखो सेकंड से सेकंड कट गया और ये आ गया 1 की घात -2। देखो ग्राम से ग्राम भी बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी बढ़ जाएगा, n बराबर ये आएगा 1, फिर यहाँ आएगा 1000 की घात कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, फिर यहाँ आएगा 100 की घात 2। देखो 1 की घात -2 भी है, कितने पड़े 1 की घात -2 कितना आएगा बताओ, 1 क्या आएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ गया बताओ, n बराबर आ गया 1, 1000 की घात 1000 हो गया भाई, और बताओ 100 की घात 2 है तो 2 बार लिखेगा तो कितना, 2 ये हो गया, और आगे कितना लिखा हुआ है बताओ, 1 लिखा हुआ है, देखो 10 की घात 3 हो गया है, 10 की घात 4 लिखे, 10 की घात 2 हो गया, ये हो गया 10 की घात 3, एक धूल जो है वो दस की घात सात अलग के बराबर होता है। मैंने बताया धूल कौन सी मात्रक पद्धति में है, ऐसा ही में है, और अरक किस में बताओ, सीपीएस में, दोनों ही ऊर्जा के मात्रक है, एक तो ऐसा ही मात्रक पत्ती में लिखा हुआ है, एक सीपीएस मात्रक पत्ती में लिखा हुआ है, भाई समझ आया कैसे करना है, समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन है। चलो कल और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।